अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि रिग्रेशन ट्री क्या होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ट्री होता क्या है और उसको अगर हम मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं तो उसके पीछे कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम उसको मशीन लर्निंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कमांड के थ्रू इस्तेमाल करें। आज हम देखेंगे कि रिग्रेशन ट्री क्या होता है और उसको हम किस तरह मैन्युअली बना सकते हैं, यानी कि उसके पीछे जो अहम कॉन्सेप्ट हैं वो कौन से हैं। चलें शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आम थी और जो हमारे पास मुख्तलिफ रिसर्चर्स थे और साइंटिस्ट थे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन्स बनाई थी और ये डिसाइड हुआ कि हमें एक से दो शॉट्स लगनी चाहिए पर्टिकुलर वैक्सीन की। और अब तो ये हो गया कि हर 6 महीने बाद हमें वैक्सीन लगवानी पड़ती है ताकि हम महफूज रह सकें कोविड से। पर ये भी बात आपको पता है कि कोविड का जो भी हमारे पास वैक्सीन है ये 100% सोल्यूशन नहीं है और इस पर अभी भी काम हो रहा है कि जैसे आम हम फ्लू या बुखार या किसी और चीज़ की दवाई लेते हैं आम मेडिकल स्टोर से जाके, कोविड की भी इस तरह की कोई दवाई बन जाए और हम आम रेगुलर बस वहाँ से दवाई उठाएं और खा लें अगर हमें इस तरह के सिम्टम महसूस होता है। तो कितनी डोज हमें खानी चाहिए और उसके कितने इफेक्टिव होएगी वो डोज, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और उसी पे एक रिग्रेशन ट्री बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम समझ सकें कि एग्जैक्टली रिग्रेशन ट्री होता क्या है और हम उसको किस तरह बना सकते हैं। मैंने जो ग्राफ लिया उसमें मेरे पास वाई एक्सिस है, उसमें मैंने इफेक्टिवनेस शो किया उस ड्रग का या उस डोजेज का या उस दवाई का जो हम पर्टिकुलरली कोविड के लिए या फिर हम कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन के लिए खाता है, और मेरे पास एक्स एक्सिस में उसका डोजेज है और एमजी में लिखा हुआ है क्योंकि यूजुअली हम जो भी दवाई है उसको मिलीग्राम में की डोजेज के साथ खा रहे होते हैं। अब अगर डेटा की सूरत कुछ इस तरह की है तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा डोजेज होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो। और इसको हमने लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसको अगर मैं यहाँ पर एक लाइन फिट करना चाहूँ तो हम ये बता सकते हैं, एक तो हमें ये शो हो रहा है कि जितना ज़्यादा डोज होगा उतना इफेक्टिव होगा हमारे लिए, और हम ये भी बता सकते हैं कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डोज बता दिया जाए, यानी कि 25 mg फॉर एग्जाम्पल 25 mg मेरे पास डोज है और मैंने उसकी इफेक्टिवनेस बतानी हो, वो मेरे पास अबव 50% जो है उसकी इफेक्टिवनेस आएगी और मुझे एक पर्टिकुलर फिगर या पर्टिकुलर नंबर भी यहाँ से मिल जाएगा, तो वो मैंने आराम से इस डेटा को देखकर बता देना। लेकिन अगर डेटा की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि 0 से लेकर अगर 9 तक, लेट्स से 9 mg तक मैंने दवाई खाई है और मेरे पास कोई खास इफेक्टिव वो दवाई नहीं है, और जैसे मैंने 10 mg डोज लिया तो मेरे पास वो थोड़ा सा उसने असर दिखाना शुरू कर दिया दवाई ने पॉजिटिव रंग में, और मैंने फिर वो 15 डोज जब मैंने लिया तो मेरे पास दवाई है वो तकरीबन 25% इफेक्टिव साबित हो गई। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने तकरीबन उसका डोजेज बढ़ा दिया और 20 से 25 के करीब डोज जब मैंने लिया तो वो दवाई 100% इफेक्टिव हुई। जब मैंने डोज मजीद बढ़ाया है और 25 से 30 के दरमियान में मैंने डोज किया है तो मेरे पास क्या हो गया कि वो इफेक्टिवनेस उसकी कम हो गई है लेकिन वो अभी भी 75% तक मुझे शो कर रही है रिजल्ट्स, और मैंने मजीद अगर डोज बढ़ा दिया है 30 से 40 तक तो वाइस वर्सा उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है और मैं इसको एक लाइन के थ्रू फिट कराना चाहूँ तो मेरी जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल ही रिलायबल नहीं होगी, चाहे मैं एक लाइन के थ्रू फिट करवाऊँ या मैं एस कर्व के थ्रू फिट कराऊँ या कुछ भी, तो कोई भी लाइन जो है वो यहाँ पर मेरे पास रिलायबिलिटी के हवाले से बिल्कुल भी सही काम नहीं करेगी। इस सूरत हाल में हमारे पास आता है रिग्रेशन ट्री। रिग्रेशन ट्री क्या करता है, हमने बात की थी कि डिसीजन ट्री, उसके बाद हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ट्री, और अब हम बात करें रिग्रेशन ट्री। रिग्रेशन ट्री क्या होते हैं, उसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने डोजेज लिखा हुआ है 14.5 है, 4.2% इफेक्टिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज पर द डिफरेंट सिचुएशन जो क्लासिफिकेशन ट्री में होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो लीफ नोड्स होते हैं, रिग्रेशन ट्री में मेरे पास लीफ नोड्स में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्लासिफिकेशन में या क्लासिफिकेशन ट्री में मेरे पास क्या होता है, मेरे पास लीफ नोड्स में ट्रू फॉल्स की इन्फॉर्मेशन होगी या डिफरेंट क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी कि वो इस क्लास में फॉल करता है या फिर दूसरी क्लास में फॉल करता है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों क्लासिफिकेशन ट्रीज के अंदर और रिग्रेशन ट्री के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह का डेटा मौजूद है जो अभी हमने डिस्कस किया है,
इस पर मैंने रिग्रेशन ट्री बनाना, तो हम उसको किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि मैं इस तरह करूं कि मैं, मेरे पास शुरू के जो दो पॉइंट्स हैं मैंने वो लिए और मैंने उनका एवरेज निकाला। ठीक है, दो पॉइंट्स मैंने ले लिए शुरू के बिल्कुल लेफ्ट साइड वाले, और मैंने उसको जब एवरेज निकाला तो मेरे पास 3 mg के करीब उसका एवरेज आया। और मैंने क्या किया, मैंने उसको शुरू कर दिया, रूट नोट पर रखा है डोजेज। और अब मेरे पास क्योंकि एवरेज 3 था, तो 1 3 के लेफ्ट साइड वाली जगह और 1 3 के राइट साइड वाली जगह। जब मैंने यस करना है तो मैंने हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी बात। तो डोजेज इज लेस देन 3, तो हम चले जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, जो कि एवरेज हमारे पास आ रहा है इफेक्टिवनेस उसकी कितनी, 0% की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एवरेज 0 कर दिया। अब डोजेज ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारे हमारे पास नंबर है, हम क्या करेंगे, हम इसका एवरेज ले लेते हैं सब नंबर्स का। जब मैंने सब नंबर का एवरेज लिया तो वो मेरे पास बन गया 38.8%। ठीक है, तो जब मैंने सबका एवरेज लिया 38.8%, तो ये मेरे पास बहुत ही बुरी प्रिडिक्शन आई है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई कहता है कि मैंने 20 mg की दवाई ली है, तो मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक, इस रिग्रेशन ट्री की प्रिडिक्शन के मुताबिक जो अभी हमने बनाया, हमारी जो डोज है वो 38.8% इफेक्टिव है, बल्कि असल में वो 100% इफेक्टिव है। तो मैंने जो प्रिडिक्ट किया वो और जो एक्चुअल वैल्यू था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर रेजिजुअल बहुत ज़्यादा है और मेरी प्रिडिक्शन जो है वो गलत है और बहुत बुरी है इस केस में। अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अब हम क्या कर रहे होते हैं, आपको याद आ रहा होगा हमने लीनियर रिग्रेशन में भी इस तरह की बात की थी कि जब हमारी लाइन होती है, जब हम उसको फिट कराना चाह रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेजिजुअल्स को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर रेजिजुअल्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो एवरेज इज इक्वल टू 0 जहाँ पर आ रहा था, उसका रेजिजुअल क्या है, 0 - 0, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो है वो भी एक्चुअल वैल्यू जो 0 है, जो एवरेज मेरे पास एज इट इज आई है, और जो मेरे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू थी और जो एक्चुअल वैल्यू थी उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, इसलिए मैंने 0.0 स्क्वायर्ड कर दिया। ये वाली बात हम लीनियर रिग्रेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हम रेजिजुअल्स को स्क्वायर क्यों करते हैं। अगर आपने लीनियर रिग्रेशन की वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जाकर उसको ज़रूर देख सकते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि रेजिजुअल्स क्या होते हैं। लाइन अगर मैंने फिट करनी है तो उसके लिए मुझे रेजिजुअल्स को स्क्वायर क्यों करना है और उसको मुझे मिनिमम क्यों करना है। ठीक है, अब मैं दूसरा जो एवरेज 38.8 है, अब मैंने क्या करना है कि हर पॉइंट का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका इस लाइन के साथ डिफरेंस लेना है और उसको मैंने स्क्वायर कर देना है, यानी कि जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ 0। ठीक है, उसका एवरेज मेरे पास जो इफेक्टिव आ रहा है, असल वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है, और जो मेरे पास एवरेज है वो 38.8 है, तो मैंने दोनों को माइनस किया और स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स को, उसके एक्चुअल वैल्यू और प्रोडिक्टेड वैल्यू को मैंने माइनस किया, उसको स्क्वायर किया और सब नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे सम ऑफ स्क्वायर रेजिजुअल्स चाहिए थे। मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 27,468.5। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको नोट कर लेना है। नोट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू देख लूँ कि मेरे पास ये पॉइंट कहाँ पर फॉल करता है। यहाँ मैंने ग्राफ बनाया, मेरे वाई एक्सिस पर पड़ा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ रेजिजुअल्स, और मेरे एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है कि डोजेज का थ्रेशहोल्ड जो है वो क्या है, जो हमने एक सर्टेन ट्री के लिए रखा हुआ है। इस ट्री पे हमने थ्रेशहोल्ड रखा था 3, तो 3 पर मेरा जो सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिजुअल आया वो 27,400 समथिंग आया था, जो मैंने यहाँ पर शो कर दिया। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब मैंने अगले दो पॉइंट्स लेने हैं, उनका एवरेज निकालना है। इसी तरीके से मैंने सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिजुअल्स जो हैं वो नोट करते जाने, और हर पॉइंट का यहाँ पर मैंने इस तरीके से एवरेज निकालना, सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिजुअल निकालना है और यहाँ पर नोट करते जाना। जैसे मैंने यहाँ पर किया 5, ठीक है, 5 के जब हम कहेंगे यस डोजेज इज लेस देन 5 mg, तो हमारे पास एवरेज कितना है, 0, और ग्रेटर हमारे पास है 41.1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब हर एक का हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिजुअल और उसको इस प्लॉट पर हम रख देंगे, और बाकी सबका भी हम एज इट इज करेंगे हर पॉइंट का, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत सारे सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिजुअल के पॉइंट। हमारा टारगेट क्या था कि हम इस रेजिजुअल को, इस गैप को जो हमारे पास आ रहा होता है एक्चुअल वैल्यू का और प्रोजेक्टेड वैल्यू का, उसको कम से कम करना चाहते हैं। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से वो वाला पॉइंट उठाएंगे जो सबसे कम रखता होगा रेजिजुअल अपने अंदर। तो ये वाला वो पॉइंट था जो अपने अंदर सबसे कम गैप रखता था, वो वाला ये रेजिजुअल का सबसे कम था, वह है 14.5। ठीक है, तो हम रूट नोड पे अब हमने उसको रख लेना। ये सारा काम करने का मकसद हमारे पास क्या, अब हमारे पास एक रूट नोड आ गया।
आपको याद होगा क्लासिफिकेशन ट्री में जो हमने रूट नोड डिसाइड करना होता था, तो हम कहते थे कि जो जिनी इम्प्योरिटी है वो कम से कम होगी तो हमारे रूट नोड पर आएगी, फिर हम उसको मजीद क्लासिफाई करते रहेंगे इसी बेस पर कि जिनी इम्प्योरिटी कम है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगी। हमने रूट नोड अपने रिग्रेशन ट्री में डिसाइड कर लिए, डोजेज लेस देन 14.5, 14.5 कैसा है, विद द लीस्ट स्क्वायर रेजिजुअल, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब मेरे पास दो गैप बन गए, 14.5 से कम, यस, तो ये वाला पॉइंट है, 14.5 से ज़्यादा तो हमारे पास ये वाला सेक्शन है, ठीक है। अब 14.5 से कम है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने तरीका निकाला उस तरीके के मुताबिक अगर हम चलें तो हम इन सब के ऊपर वही वाला सारा काम करेंगे, यानी कि अब लेफ्ट साइड पर 14.5 से कम जो हमारे पास पॉइंट है उन सब पर हम उसके सम ऑफ स्क्वायर रेजिजुअल्स निकालेंगे, जो सबसे कम होगा वहाँ पर एक थ्रेशोल्ड रख देंगे और हम उसको आगे वहीं पर क्लासिफाई कर देंगे। जब मैंने किया तो मेरे पास 11.5 आ गया और मैंने देखा कि उसके लेफ्ट साइड पर मेरे पास क्या आ रहा है, एवरेज 1 आ रहा है, उसके राइट साइड पर मेरे पास एक ही पॉइंट है, ठीक है, ग्रेटर देन 11.5 है तो वो 20 उसको मजीद क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम जो एवरेज 1 है जहाँ पर आ रहा है तो उसको मजीद हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास और पॉइंट्स भी मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने फिर से सम ऑफ स्क्वायर रेजिजुअल्स देखने शुरू किए, जहाँ पर सबसे कम आ रहा था उस पॉइंट को मैंने पिक किया और यह चला गया लेस देन 9, और जब लेस देन 9 गया तो यहाँ पर यस, तो लेफ्ट वाले जितने पॉइंट हैं वो सारे उनकी इफेक्टिवनेस 0 है, ठीक है, और ग्रेटर देन वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी क्लासीफाई कर लिया हुआ है, वो 5 है, वो 1 है, तो हमने कह दिया कि अब ये मजीद क्लासीफाई या मजीद डिस्ट्रीब्यूट जो है वो आगे ब्रांचेस में नहीं हो सकता, अब ये हमारे पास लीफ नोड्स पड़े हुए हैं। पर यहाँ पर जो हमने अभी हमने काम किया है, जो हमने नोड्स बनाए हैं, हमने रूट नोड डिसाइड कर लिया, वेल एंड गुड, हमने ब्रांचेस बना ली, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद हमने लीफ नोड भी डिसाइड कर ली, लेकिन जो हमने काम किया है वो हमने एज इट इज़ वही काम किया जो हमारे पास डेटा में मौजूद था, यानी कि हमने फिट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लिया, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट कर लिया, उसका मतलब है कि हमने ओवर फिटिंग कर दी है, हमारे पास बाइसनेस कोई नहीं है लेकिन इवेंचुअली वेरियंस हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बात डिस्कस की थी वेरियंस और बाइसनेस की वीडियो के अंदर कि इस तरह की जब हमारे पास सिचुएशन आ जाती है तो हम जब डेटा को बहुत अच्छे तरीके से फिट करते हैं तो इवेंचुअली हम उसको प्रिडिक्शन के ऊपर इतना रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि कभी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन आ जाती है और कभी उसकी बहुत बुरी प्रिडिक्शन आ जाती है। इस सूरत हाल को हम किस तरह कैटर कर सकते हैं? उसका सलूशन ये होता है कि हम एक थ्रेशहोल्ड डिफाइन कर देते हैं। आमतौर पर रिग्रेशन ट्री जब हम बनाते हैं उसका थ्रेशहोल्ड हमारे पास होता है 20, आमतौर पर 20 थ्रेशहोल्ड रखा जाता है। अब ये कन्वेंशन है और ये तब्दील भी हो सकता है आपकी रिसर्च के मुताबिक, आपकी फील्ड से मुताबिक ये थ्रेशहोल्ड ऊपर नीचे हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा? आपने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़कर, आपके डोमेन में जो एक कन्वेंशन समझा जाता है वो थ्रेशहोल्ड आप रखेंगे और इस ओवरफिटिंग से आप बच सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर थ्रेशहोल्ड रखा है 7, सब ये बताने के लिए कि हमारे पास क्योंकि डेटा थोड़ा है और हम समझना चाहते हैं कि थ्रेशहोल्ड काम किस तरह करता है, तो मैंने यहाँ पर थ्रेशहोल्ड 7 रखा है। यहाँ तक बात हमने क्लियर कर ली थी कि हमने एक रूट नोड डिसाइड कर लेना है सम ऑफ स्क्वायर रेजिजुअल्स जहाँ पर मेरे पास कम आ रहा था, ठीक है। अब थ्रेशहोल्ड 7 होने की वजह से मैंने ये देखना है कि मेरे इफ़ द डोजेज इज लेस देन 14.5 लेफ्ट साइड की तरफ है तो डेटा मेरे पास कितना है, 7 से कम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मुझे इसको मजीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ से एवरेज लेना है, इसका एवरेज आ रहा था 4.2, तो यहाँ पर मेरा पास 4.2% इफेक्टिवनेस आ रही है, यहाँ पर मैंने इसको मजीद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मैंने जाना है टुवर्ड्स द राइट साइड जहाँ पे डोजेज जो है वो 14.5 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इधर मैंने क्या करना है, वही वाला काम, एवरेज लेना है, उसके बाद मैंने सम ऑफ स्क्वायर रेजिजुअल्स चेक करने हैं, जहाँ पर मिनिमम होगा वहाँ पर मैंने थ्रेशोल्ड के मुताबिक एक लाइन लगा देनी है और वो लाइन लगेगी। फिर मैंने 7 देखने की उसके लेफ्ट साइड राइट साइड पर जो है वो 7 से कम है, ज़्यादा है, अगर कम है तो हम उसको मजीद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको फिर से हम सम ऑफ स्क्वायर रेजिजुअल देखेंगे, कम होगा वहाँ हम एवरेज लगाएंगे, फिर हम दोबारा देखेंगे थ्रेशोल्ड के मुताबिक। इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमारे पास एक पूरा ट्री बन जाएगा। अब ये मेरे पास रिग्रेशन ट्री बन गया है कि डोजेज अगर 14.5 से कम है इफेक्टिवनेस 4.2 है, अगर डोजेज 14.5 से ज़्यादा है और 29 से कम है और उसका इक्वल भी है तो डोजेज जो हमारी एवरेज है, जो इफेक्टिवनेस है वो 2.5 है।
अगर डोजेज 14.5 से ज़्यादा है और 29 से भी ज़्यादा है, तो हमें ये सवाल पूछना है कि डोजेज तुम्हारी 23.5 से ज़्यादा है और उसके इक्वल है येस, तो 52.8, अगर नहीं उससे कम है तो हम कहेंगे कि हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो 100% है। इस तरीके से हम अपना रिग्रेशन ट्री जो है वो पूरा तरीके से बना सकते हैं। अब बात ये आ जाती है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल देखा है लेकिन डेटा में तो और भी वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ डोजेज हमने देखने हैं ड्रग इफेक्ट के ऊपर, हमें देखना है कि एज का ताल्लुक होता है ड्रग इफेक्ट के ऊपर, सेक्स का ताल्लुक है ड्रग इफेक्ट के ऊपर, तो मुख्तलिफ चीज़ें हमने करनी है। हमने क्योंकि डोजेज को देखा और हमने देखा कि हम रूट नोड जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, हमने जब हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स होंगे हमने रूट नोड उसी तरीके से सबकी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। जब हमने सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल से किया था जहाँ पर मिनिमम होगा वहाँ पर हम रूट नोड डिसाइड कर लेंगे। जब हमने सबके रूट नोड डिसाइड कर लिए, चाहे वो डोजेज का हो, चाहे वो एज का हो, चाहे वो जेंडर का हो, तो हम क्या करेंगे, सबका सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल जो आया था वो देखेंगे और जिसका सबसे कम रेसिडुअल होगा डोजेज एज और जेंडर का, जिसका सबसे कम रेसिडुअल होगा उसको हम रूट नोड पर रखेंगे और फिर मजीद इसको हम आगे डिवाइड करते जाएंगे, ब्रांच में बनाते जाएंगे टिल वी रीच टू अ लीफ। तो इस तरीके से हम रिग्रेशन ट्री बना सकते हैं और रिग्रेशन ट्री में हमारा जो मेन टारगेट है वही है कि हमने सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल जो है उसको कम से कम देखना है, प्लस अपना एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लेना है ताकि हम उस थ्रेशोल्ड को देखते हुए ओवरफिटिंग से बच सके और अपना जो रिग्रेशन ट्री है उसको बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल और रिलायबल बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।